नमस्कार दोस्तों, जय बाबा महाकाल, जय हो माता भद्रकाली की। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में और हमारे चैनल में। दोस्तों, जीवन का चक्र बदल चुका है, बहुत बड़ा परिवर्तन अब आपके जीवन में आने वाला है। आपके दुश्मनों का अंतिम दिन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको फंसाना चाह रहे थे, जो लोग आपके खिलाफ चल रहे थे, षड्यंत्र बना रहे थे, उनका अब तमाशा होगा और आप ये तमाशा अपनी आँखों से देखेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी बातें 100% सत्य है, बिल्कुल सती के जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बात की मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ। दोस्तों, अपने अपने जीवन में अच्छा और बड़ा दोनों समय देखा है। जब अच्छा समय था तो आपके पास पैसा था, धन दौलत ही ऐश आराम था, आपके रिश्तेदार आपके आसपास मंडराते रहते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बुरा समय आता ही पैसों से पहले रिश्तेदार दूर भाग जाते हैं, यही जीवन की सच्चाई है। अपने अपने जीवन में दोस्तों कई सारे कासन का, कई सारी मुसीबत का सामना किया। आपने अपने जीवन काल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ना कभी किसी के साथ चलकर कर किसी के साथ धोखा कर गलत कमाई करी। लेकिन इस दुनिया में दोस्तों आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले, आपके खिलाफ चलने वाले अब बहुत आ गए हैं। जी हम तो सही सुना आपने, लोगों से आपकी खुशियां हजम नहीं होती, लोगों से आपकी हंसी अच्छी नहीं जाती और लोग आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, इसीलिए कुछ लोग आपके खिलाफ चलते हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं। ऐसे ही लोगों से दोस्तों आपको समय रहते पीछा छुड़ाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़े बड़े राज बताने वाला हूँ। सारी बातें सुनने के बाद, जानने के बाद आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे राज है जो आपने आज से पहले देखे नहीं होंगे, सुन नहीं होंगे। आप बस थोड़ा समय निकले और वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे, मैं आपको सारी महत्वपूर्ण बातें विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय माता भद्रकाली, हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जिनके सिर पर माता रानी का हाथ होता है, उनकी तरक्की सदैव होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ ऐसी एक स्त्री से आपका सामना होने वाला है जिसे ईश्वर ने स्वयं आपके लिए चुना है और आपके जीवन में अब भेजने वाले हैं, ताकि अब आप भी अपने जीवन में खुश हो जाए, क्योंकि आपने बहुत ही दुख सहा है, बहुत ही दर्द सहा है। और आपको बता दे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने दुखों को, अपने दिल में छुपे दर्द को किसी के साथ भी साझा नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी अपने मन में चल रही बातों को बता नहीं पाते हैं। यूँ कहें तो आपके आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके दुखों को सुन सके, जिसे आप अपना समझ के उन्हें सब कुछ बता सके। आपने पिछले समय में जिसे भी अपना माना है, उनसे बहुत बड़ा धोखा खाया है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें आपने अपना सब कुछ समझ बैठे थे, वही आपको कुछ भी नहीं समझते थे। कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई थी जिसके वजह से आपका लोगों से भरोसा ही उठ गया था। आप किसी को चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे में ईश्वर आपके दुखों को ही कम करने के लिए, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को बताने के लिए, अपने दिल में छुपे दर्द और बोझ को हल्का करने के लिए इस स्त्री को आपके पास भेजेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको जानकारी चलिए बता दे, ये स्त्री सिर्फ महिला के साथ साथ पुरुष के भी जीवन में आएंगी। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही लोगों के जीवन में इस स्त्री का सामना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भी ये बातें बताई जा रही है। इसलिए आपको बता दे, ये स्त्री आपके जीवन को बेरंग से रंगीन करने वाली है। जैसे ही स्त्री के कदम आपके जीवन में पड़ेंगे दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार होंगे
ऐसी ऐसी खुशियाँ आपको मिलेंगी, ऐसे ऐसे आपको घटनाएं देखने को मिलेंगे जो आपको अपने ही आँखों पर विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, आपका मन इस समय जीस भी बात को लेकर बहुत ही परेशान है। आपके मन में बहुत बड़ा तूफान यदि उठा हुआ है तो उस तूफान को यह स्त्री शांत कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है ये स्त्री और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जाना ये स्त्री आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, अब हम बात करेंगे कि इसे आपको पहचानना कैसे है और इसका नाम क्या होने वाला है और ये किस जगह पर मिलेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी प्रभु श्री राम व संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम संकट मोचन हनुमान जी की जय हो जरूर लिखें। दोस्तों, प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। आपके और आपके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी तो आप जरूर लिखिए। दोस्तों, आप सभी को बता दे ये स्त्री जो है वे उन लोगों का भी असली चेहरा सामने लाएगी जो अपनों के बीच में बैठे हुए आस्तीन के सांप बनके। जी हाँ दोस्तों, सबके चेहरे से झूठा मत टाइम भी आएगा। जो जो लोग आपसे जलते हैं अब वे तो और भी जल जाएंगे। तो दोस्तों, उस स्त्री का नाम बता दे आपको, जिसे जानकर आप पहचान जाएंगे कि यही वह स्त्री है जो आपके भाग्य को उदय करेगी। तो दोस्तों, उसका नाम जो शुरू होगा वे है SPR। जी हाँ दोस्तों, ये चार अक्षर से शुरू होने वाली स्त्री ही आपके जीवन में आएगी और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। लेकिन आपको जानने के लिए बता दे कि आप अपने दुखों को अपने दिल में तो छुपा लेते हैं, कोई समझ भी नहीं पाता कि आपके दिल में कितने बड़े दुख छुपे हैं। लेकिन आप खुशियों को नहीं छुपा पाते हैं तो आप इसके बारे में कहीं पर डंडो रामत पिटेगा जब तक यह स्त्री आपके जीवन में ना आ जाए। जी हाँ दोस्तों, ये स्त्री जब आपके जीवन में आएगी तो लोग खुद ही आपको देखकर जल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यह स्त्री आपको कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो आपको बता दे, इस दौरान यानी आने वाले आज से लेकर आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर आपको किसी रास्ते में मिल सकती है। आप सभी को बता दें कि कलेजा हाथ में आ जाएगा। यह सच्चाई सुनकर कल से आप सभी के जीवन काल में खुशी का ढोल चारों तरफ बजाने वाला है और आने वाले 3 दिनों तक लगातार खुशी पर खुशी आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले घंटे तक आप सभी का जीवन कामयाबी में सारा बोर रहेगा, क्योंकि यह समय भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा आप सभी को मिलने वाला है जो आपकी कर्मों का फल है। अभी तक आपने जो मेहनत किए थे उनका परिणाम अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन आप तो यह बात जानते हैं कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। अब समय आपका आ चुका है जब भगवान स्वयं आपकी कर्मों का फल अपने हाथों से देने वाले हैं। तो अब इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हो गई और अब आपको आपकी मनचाहे सफलता मनचाहे कामयाबी मिलने वाली है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और कल से आपको अपने जीवन काल में कुछ क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आप बहुत परेशान हैं, बार बार एक के बाद एक परेशानियां आपको भेजती रहती है। आप मेहनत बहुत करते हैं, अपनी समस्याओं से जूझने का प्रयास भी बहुत करते हैं। आपके अंदर हिम्मत और साहस की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप अपनी समस्याओं से छूट नहीं पा रहे हैं, पीछा छोड़ा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों जानते हैं, इन सब समस्याओं के लिए ना तो आपका भाग्य खराब है और ना ही आप जिम्मेदार हैं। इन सब समस्याओं के लिए जिम्मेदार तो कोई और ही है और यह गुप्त रहस्य हम आपको आगे पता नहीं चाह रही है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप मन से भी बड़े ही सच्चे और बड़े ही अच्छे इंसान हैं। आप जानबूझकर किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके कर्मों से किसी ना किसी को चोट अवश्य पहुंच जाती है।
आप भले ही किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपके प्रयास दूसरी दिशा में चले जाते हैं और लोग आपसे परेशान हो जाते हैं और आपका सारा किया कराया खराब हो जाता है, या यूं कहें कि निष्फल हो जाता है। आपकी मेहनत का कोई परिणाम तो प्राप्त होता नहीं है, उल्टा आपको बुराइयां और मिलने लगती है, जिससे भी आप दुखी रहते हैं। आपको ऐसा लग है जैसे कोई आपके पीछे पड़ा है। आपके जीवन में दुख और परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। आप लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप अपनी हर समस्या से मुक्त हो जाएंगे, इस बात का वादा करते हैं हम आपसे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन सब परेशानियों के कारणों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि माँ भद्रकाली के सच्चे भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपका ख्याल रखेंगे, आपके जीवन से हर एक कष्ट को दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको माँ भद्रकाली में पूरी आस्था होनी ही चाहिए। माँ तो माँ होती है, बच्चों के कष्ट वहाँ से देखे नहीं जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली में 21 से ग्रह है, जो यदि आपके लिए नीच के रहेंगे या कमजोर अवस्था में रहेंगे तो आपको हमेशा पीला पहुंचाते रहेंगे। बल्कि इसके विपरीत यदि यह दुख रहे शक्तिशाली हो जाते हैं, आपके पक्ष में हो जाते हैं, तो आपके जीवन को खुशहाल ही से भर देंगे। आपके जीवन में राजयोग प्रवेश कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह दो ग्रह कौन से हैं और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में यह ग्रह नीच के हैं या उच्च के हैं? यदि नीच के हैं तो आपका स्टोर से हमेशा पीड़ित रहेंगे। हम एक किस करके हर एक बात को विस्तार से बताएंगे कि कौन से ग्रह से क्या कष्ट मिलेंगे और उस ग्रह का तोड़ क्या है, निवारण क्या है, उपाय क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में बनी रही है हमारे साथ, हम आपको सारी जानकारी विस्तार से बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके पास मुख्य तौर पर दो तरह की समस्याएं हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या आपकी आर्थिक समस्या है। आपकी आमदनी या तो है ही नहीं, और यदि हैप्पी तो इतनी कम है कि आपके खर्चों के लिए पूरी नहीं पड़ती है, जिससे आप मानसिक तौर पर हमेशा परेशान रहते हैं, उन जनों से भरी रहती है, अपने खर्चे पूरे करना कर पाने की वजह से। इधर आपको कर्जी ने भी परेशान कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, दोनों समस्याएं एक जैसी ही है, चाहे वह कर्जे की समस्या हो या आमदनी कम होने की समस्या। को दूसरी समस्या आपके जीवन में यह है कि लोग आपको हमेशा गलत ही समझते हैं। आप चाहे उनके लिए कितना ही अच्छा करने का प्रयास करें, चाहे उनके लिए तन मन धन से हाजिर हो जाए, तब भी लोग आपके काम में खोट निकाल ही देते हैं और अंत में आपको बुरा ही हासिल होती है। या यूं कह सकते हैं कि आप रिश्ते नातों के मामले में बड़े ही दुर्भाग्यशाली इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के साथ हर रिश्ता बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका रिश्ता खराब हो जाता है, आपका दिल टूट जाता है। चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे वह आपके घर परिवार में, यहाँ तक कि आपके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ रिश्ता हो, हर एक रिश्ते में समस्या यही है कि कमी आपकी तरफ से कोई भी नहीं होती, फिर भी परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बन जाती है कि आपकी ही कमी साबित हो जाती है और फिर आपको ही दोष लग जाते हैं, जबकि आप दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सामने वाले इंसान को किसी भी प्रकार की पीड़ा को। तो मूल रूप से आपके पास दो तरीके की समस्याएं ही हैं। पहली समस्या धन की समस्या है और दूसरी समस्या है रिश्ते नातों की समस्या। दोनों ही समस्या है किन ग्रहों से जुड़ी हुई है और किन ग्रहों के बीच होने से इन समस्याओं से इंसान घिरा रहता है, ये सब जानकारी हम आपको आगे देने जा रहे हैं। वीडियो में बनी रही है, जानकारी भी खास है और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अब ध्यान से सुनिए। अब वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपके काम धंधे में रुकावट खड़ी कर देता है, आपकी नौकरी भी ठीक से नहीं चलने देता है। आप कितनी ही मेहनत करें लेकिन आपको अपने घर में पैसा लाने नहीं देता है, और यदि पैसा आ भी जा तो वापस चला भी जाता है। यह दोस्तों तो अपने जीवन के सबसे आश्चर्यजनक और अद्भुत सच्चाई से सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। बस अर्थ केवल इतनी सी है कि आपको वीडियो पूरा देखना होगा और अकेले में एकांत में बैठकर देखना होगा, पूरे ध्यान के साथ देखना होगा। दिखा दोस्तों, तभी आपको हमारे द्वारा बताई गई सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी। दोस्त, हम आपको बता दें कि यह जो समय अभी आपके जीवन काल में चल रहा है, ग्रहों की कुछ ऐसी चाल है, या यूं कहें कि आपके जीवन का कुछ ऐसा उतार चढ़ाव भरा समय है कि आपके मन में थोड़ी बेचैनी सी बनी रहती है। किसी बात को लेकर आपके मन में कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं। कह सकते हैं कि आपके मन में कुछ ना कुछ चिंता है, घर करके बैठी हुई है। हालांकि अभी आपके जीवन में कुछ बुरा हो नहीं रहा है और ना ही किसी बड़े और पूरे समय की आपको भविष्य में उम्मीद है, फिर भी मन में चिंताएं बनी रहती है, बेचैनी सी बनी रहती है। आप खुलकर अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं और अपने मन की जो बातें हैं उन हे भी आप किसी को पता नहीं पाते हैं, और यदि आप हिम्मत करके किसी को कुछ बताते भी हैं, जो लोग आपकी बातें समझ नहीं पाते हैं, उल्टे सीधे आपकी बात ओके मतलब निकाल कर फिर आपसे तमाम तरह के फूल जरूर बातें करते हैं, जिससे आपका मन और खराब हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन काल में एक ऐसी ग्रहदशा बनने जा रही है, आपकी चिंताओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी और आपको एक विशेष लाभ दिलवाने वाली है। बस इसके लिए आपको करना यह है कि उस ग्रह दशा को अच्छी तरह से समझना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर कुछ आपको उपाय भी करने होंगे। जिन दोस्तों के जीवन में कुछ ना कुछ तो बात है ही, आपके जिन वजह से आपके जीवन में जो असंतुलन बना हुआ है, आपकी मानसिक अस्थिरता बनी हुई है, आपके जीवन में जो रुपए पैसे को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसका कुछ ना कुछ तो कारण है, कोई ना कोई तो बाधाएं हैं। उन बाधाओं बहुत आवश्यक है, अन्यथा किसी भी देवी देवता की कृपा या फिर किसी भी प्रकार की ग्रह दशा आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर आ पाएगी। ये दोस्तों, आप यकीन मानिए कि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, वह बहुत ही खोजबीन के बाद, बहुत गहरे अध्ययनों के बाद आपके सामने लेकर आते हैं। इस जानकारी के माध्यम से आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। बस करना आपको इतना है कि चीजों को बस अच्छी तरह से समझ लेना है और उनका सही संतुलन बनाने की कोशिश करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।